कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपको और भी अच्छा करने लेके ये रिट्स एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो। तो यार आज बता दूं मैं क्या होने वाला है। आज होने वाला है प्रैंक एरिक पे, क्योंकि यार बहुत दिनों से ना वो बिल्कुल भी पंचुअल नहीं है, बहुत ज़्यादा डिले कर रहा है और मेरे शूट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा ख़राब। तो यार मैंने सोचा उस पर प्रैंक कर दिया जाए। देखो यार 4 बजने वाली है लेकिन बंदा अभी तक सीरियसली आया नहीं है, तो एक बार कॉल करते हैं बंदा कहाँ पहुँचा है। माना ये एरिक पे प्रैंक होने वाला है लेकिन गुस्सा मुझे सच में उस पर बहुत ज्यादा है। आना है तुझे, नहीं आना ये बता दे बस। तेरा यही चलता रहता है, आना है आना है, नहीं आना है, यही करता रहता है। तेरे को मतलब हफ्ते में 4 दिन तेरे को छुट्टी चाहिए होती है। क्या चाहता है तू जिंदगी से? बस आ रहा हूँ, बस पहुँचने वाला। अच्छा खासा काम चल रहा है, वो रास नहीं आ रहा क्या? थोड़ी देर में अब कहाँ पहुँचने वाला है यार, लग गया होगा बंदी बंदी से। नहीं नहीं बस 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा। यार जब फोन करती हूँ यार वेटिंग जा रहा होता है, जल्दी आ जा प्लीज, मेरा मूड खराब हो रहा है बहुत ज्यादा। बस आ गया थी, आ गया। कहाँ पर? सेम लोकेशन पे? सेम लोकेशन, ठीक है, ओके, आ गया। तो यार बंदा आने वाला है, थोड़ी देर वेट करते हैं। आज मैं बता दूं आपको कि मैं प्रैंक तो करने वाली हूँ एरिक पे, लेकिन क्या है ना मुझे गुस्सा सच में उस पर है, जो कि मैं प्रैंक के थ्रू निकालने वाली हूँ। किल्सन है ना जो प्रैंक के थ्रू निकल जाएगी। तो वीडियो में रिएक्शन कैसे आने वाले एरिक के देखते हैं, और स्टोरी कुछ अलग ही है इस बार जो मैं उस पर प्रैंक करने वाली हूँ। जो रियल में चीज़ें आजकल चल रही है ना मेरे साथ, वो आप लोगों के आगे दिखाई जाएगी, जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वेट करते हैं बंदे का, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। 10 मिनट वेट करते हैं, 15 मिनट बोल रहे हैं, लेट्स सी इसके 15 मिनट बहुत, आधा एक घंटा जाके होगा, देखते क्या होता है ना। सो गाइस, जैसा कि हर किसी का सपना होता है कि वो अपनी लाइफ में फ्री रहे, जितना चाहे उतना ज़्यादा सो सके और किसी और के ऊपर डिपेंड भी ना रहे, तो मैं भी सोचती हूँ आप में से बहुत सारे लोग यही चाहते होंगे। तो मैं भी आपको बताना चाहती हूँ आप इसके लिए क्या कर सकते हो। तो ज्वाइन करो स्मार्ट ट्रेडिंग चैनल को आज और अभी। आप इसमें एक्सपर्ट के थ्रू ट्रेड करना सीख सकते हो। ये सिर्फ एक चैनल ही नहीं है, यहाँ पर आप स्टेटिस्टिक और ट्रांजैक्शन की डिटेल मिलेगी, यहाँ पे स्ट्रेटजीज को भी सीख सकते हो, और यहाँ पर ट्रेड रिस्क के एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा। और गाइस ये बहुत ही ज़्यादा कूल और वीआईपी चैनल है। तो मुझे नहीं पता कि गाइस ये किस तरीके से कर रहे हैं, पर इनकी चैट के थ्रू पता चलता है कि इनकी ट्रांजेक्शन का वीआईपी चैट में कि 85% से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे अर्न कर रहे हैं। तो गाइज़ मैं तो इसके लिए फुली तरीके से श्योर हूँ, और आप डेली पैसे कमा सकते हो। ट्रेड करना सीखो ट्रेडिंग चैनल के थ्रू, और गाइज आपको खुद नहीं पता कि आप कब कितने रिच बन जाओ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ हुआ है जिन्होंने टेलीग्राम चैनल स्मार्ट ट्रेडिंग को ज्वाइन किया है और धीरे धीरे वो रिच हो गए, बहुत अच्छा खासा पैसा कमाना लग गया है। तो गाइज किस चीज़ का वेट कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे गए, ज्वाइन करो स्मार्ट ट्रेडिंग चैनल को और खूब सारा पैसा कमाओ। हेलो दी। हेलो, क्या हुआ? जिम से आ रहे हो क्या? लोअर वेयर पहन रखा आपने? हाँ अभी आई हूँ जिम से, तो आई हूँ। मेरी छोड़, तेरा टाइम क्या था? दी बस मेट्रो में अटक गया था थोड़ा। रोज तू मेट्रो में ही अटक रहा है, कितने दिन हो गए तेरे को मेट्रो में अटकते हुए? 15 मिनट ही तो लेट हूँ बस। भाई ये मेरे चैनल का रियल टाइम है, खोल के रखा है और दिखा रही हूँ। मेरा चैनल बहुत डाउन चल रहा है, और तुझे पता है कि मेरे को घर पे हर महीने पैसे भेजने होते हैं, तुझे पता है, और तुझे भी देने होते हैं, 1 तारीख को रेंट देना होता है, हर चीज़, 100 चीज़ें हैं मेरे पास सोचने के लिए, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरे सर पे। अगर तू ऐसे काम करेगा तो मुझे बता दे यार, मैं तो ऐसे मैनेज नहीं कर सकती यार। दे क्या क्या दी यार, सुन के पक चुकी हूँ, मैं बता नहीं सकती मैं तुझसे कितना ज्यादा इरिटेट हो चुकी हूँ अभी के टाइम। मैंने क्या करा? क्या करा? रोज लेट आता है यार, बिल्कुल भी पंचुअल नहीं है तू। क्या चल रहा है यार, एडिटिंग में कितनी गलतियां कर रहा है। कल तूने वीडियो भेजी है, मेरे को मेल करी है, ये तूने आगे से ये लगा दी थी मैंने। अरे मेल लगा दी थी आगे से, ये लेयर काटना भूल गया ना तू यार, मेरी पूरी वीडियो खराब हो गई। थोड़ी सी ट्रिम करनी, तुझे पता है आजकल ट्रिम करनी थी यार, अगर मैं मुझे ही ट्रिम करनी होगी तो यार मैं तुझे क्यों रख रखा है। मैं अगर मैं कंटेंट सोचूंगी या ये देखूंगी कि मैं मुझे ट्रिम करनी है वीडियो, गलतियां तू करे यार, भुगतू मैं। छूट गया था मेरे से गलती से, हर बार कुछ ना कुछ गलतियां हो रही है हर बार। तुझे बोला था कि प्रैंक किया था यश चौधरी पे, उसकी एडिटिंग मुझे अच्छी चाहिए, बहुत अच्छी चाहिए। क्या किया तूने मेरी एडिटिंग के साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी जो देख रहे हो, अच्छी तो बड़ी थी, मैं तो अपना बेस्ट ही दे रहा हूं, मैं अब क्या कर सकता हूं। मैं ये बेस्ट दे रहा है, कल तू ट्रिम करना भूल गया, लेयर हटाना भूल गया, तू टाइम पे नहीं आता है। पहले क्या होता था, तू हमेशा बिफोर टाइम रहता था, पार्क में जाके मेरे लिए वेट कर लेता था, मुझे अच्छा लगता था। लेकिन सीरियसली ना, तेरे को जितनी तारीफ करी है ना तू, मतलब और ही ज़्यादा ना तेरी वजह से ना, मतलब चीज़ें खराब हो रही है। अरे मुझे ऐसे लग रहा है कि ना मैं ना किसी से एहसान ले रही हूँ, मैं किसी को पैसा नहीं दे रही, मैं किसी से एहसान लेके काम करा रही हूँ उसका। क्यों फील करा रहा है यार मुझे ऐसा? लोग मुझे देखने लगे आसपास के यार, कितना इरिटेट हो रखी हूँ मैं अभी। मेरे को ना खुशनुमा ज़िंदगी चाहिए थी यार, मैंने ये सोचा था कि मिलियन तक जाएगी, आगे साथ पे काम करेगी, मैं तेरी सैलरी बढ़ा दूंगी। मुझे ये नहीं पता था सीरियसली कि ये सब होगा, अभी तो 8 लाख भी नहीं हुए तुझे पता है। और ये देख रियल टाइम, भाई रियल टाइम देख, कुछ रिवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, कुछ बना ही नहीं है,
यार अगर मुझे अगर यार तू मेरे को वीडियोस टाइम पे नहीं देगा मैं वीडियो डाल नहीं पाऊंगी। तुझे पता है मैं अपनी कमिटमेंट की कितनी ज्यादा पक्की हूं। नेट ही स्लो चल रहा है तो इसमें मैं क्या करूँ। मैंने तेरे को बोला था एरिक मैं तुझे पैसे दे दूंगी लेकिन तू इंटरनेट सही कनेक्शन लगवा ले उसका बोला था ना। उसका भी ऐसी मैं क्या करूँ। उस पहले वाले का भी ऐसी था दूसरे वाले का भी। ये चीज है ये एक्सक्यूजेज मैं नहीं सुन सकती ना यार। रात को तेरे को बोला था 7 बजे मैंने कल 7 बजे बोला था एरिक मेरे को पहले थंबनेल भेज दियो प्रैंक को नहीं शुद्री का और मेरे पास थंबनेल नहीं आया 12 बज गई। मतलब मैं बार बार फोन करती रहूंगी क्या एरिक मुझे ये दे एरिक मुझे वो दे। मैंने कंप्लेंट डाल रखी है यार ये 1 महीने से कंप्लेंट डाल रहा है अभी तक इसका सोल्यूशन क्यों नहीं हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने तुझे बोला था मैं पैसे दे देती हूँ ये चीजें सही कर दे और तू कल कितना गंदा बोल रहा था। ये तेरी वर्डिंग्स कैसे चेंज हो गई है यार। अब मैंने क्या कर दिया। कल तू नहीं यश को क्या बोला था। यश ने तुझे कुछ समझाया था एक डायरेक्शन बताई थी कि कैसे लेना है तुझे कैसे शूट करना है। अगर कोई तुझसे बड़ा तुझे कुछ समझा रहा है तो समझ ना उस चीज़ को। तू यार टोंटिंग ही करी जा रहा है कि मुझे पता है मैं टेबल से शूट करूँगा मैं यहाँ से करूँगा यहाँ से करूँगा। यार अगर कोई कुछ सिखा रहा है तो उसको समझ लो ना। देख यार एरिक मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं ना कंटिन्यू नहीं कर सकती सच बता रही हूँ। मैंने कैमरामैन रख लिया मैं तुझ पे इस बार प्रैंक नहीं कर रही। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से हूँ मैं इस बार प्रैंक नहीं कर रही मैंने कैमरामैन रख लिया। ऐसे नहीं होता आपने ऐसे तो होगा एंड टाइम पे मना कर दोगे हर बार मेरे को। यार और क्या करूँ मैं खुद ही इतना परेशान मैं ना एक टाइम पे ना एक टाइम ऐसा आ जाता है एक इंसान ना बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाता है और उसको ना वो डिसीजन लेना पड़ता है जो लेना नहीं चाहता है। तूने वो टाइम ला दिया मेरे मेरे सर पे ना मैंने ना नहीं होगा नहीं 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 यार नहीं नहीं मैं चेंज करवा लूंगा। ये चेंज 1 महीने से नहीं हो रहा है मेरे पास टाइम पे वीडियो नहीं आ रही है। मैं अपनी कमिटमेंट की पक्की हूँ। अगर मैंने बोल दिया 2 बजे मुझे वीडियो अपलोड करनी है तो 2 बजे करना है 2 से 5 नहीं होगा 159 भी नहीं होगा और मेरे पास वीडियोज़ नहीं आती है। अगर तुझे पता है मेरा आजकल दोपहर का टाइम चल रहा है वीडियो अपलोडिंग का तो तुझे मुझे सुबह वीडियो भेजनी चाहिए ताकि मैं देखूँ उसमें सब कुछ ओके है कंफर्मेशन है तब जाके मैं तुझे यहाँ से कंफर्म करूँ। ये नहीं यार तू मेरे पास 12 बजे वीडियो भेज रहा है और 2 बजे मुझे अपलोड करनी है यार और उसमें भी तू गलतियाँ कर रहा है ऑन द स्पॉट। मैं क्या चेंजेस कराऊँ तुझसे। देख रहा है ना तो मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ तेरे चक्कर में। मैंने घर पे बात नहीं करी है मैं इतना दुखी हो गई हूँ मैं किसी से बात नहीं कर पा रही मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ ये बात है। मैंने नहीं 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 यार मतलब तू समझ मेरे मेरे फेस पे गुस्सा देख मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। प्यार में प्यार भी करती थी ना लेकिन सच बता रही हूँ मेरे को अब ऐसा लग रहा है प्यार का नज़ायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। मैंने कुछ फायदा नहीं उठाया कभी मैंने यार मैंने कभी एज एन कैमरामैन तुझे ट्रीट नहीं किया ना। तू किसी से पूछ ले तुझे पता है लास्ट वीडियो में क्या हुआ था प्रैंक ऑन वो सारे लोग डाल रहे ना प्रैंक ऑन कैमरामैन। तू मेरा भाई है इसलिए मैंने प्रैंक ऑन कैमरामैन भी नहीं डाला था उससे प्रैंक ऑन ब्रदर डाला था क्योंकि तू मेरा भाई है। मैंने तुझे दिल से माना है और तू ये सिला दे रहा है यार। ऐसे थोड़ा होता है। रोना आ रहा है मुझको सच में मैं मजबूर हूँ मैं तेरे को निकालना नहीं चाहती मैं तेरे को कहीं अच्छी जगह काम दिला दूंगी लेकिन यार मेरा अभी जो चल रहा है ना काम वो बहुत ही ज्यादा नहीं मेरे को आपके पास ही करना है मेरे को नहीं करना मेरे को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अरे तू समझ नहीं रहा करना ही नहीं है मेरे को करना ही और यश मेरा दोस्त है अगर कोई उसके साथ बदतमीजी करेगा ना तो मैं वो चीज़ भी टॉलरेट करूंगी। उसने मुझे मुंह पे कुछ नहीं बोला लेकिन मैंने खुद चीज़ें सुनी है। अगर सामने बड़े तुझे कोई समझा रहा है ना कुछ उस चीज़ों को ना समझो सीखो उनसे। ये नहीं कि यार तुम अपने आप को ही भगवान मान के बैठ जाओ या कोई भगवान नहीं है प्लीज़ नहीं बोलूँगा उल्टा मैं। अब कुछ नहीं है ना किसी के दिल को तुमने दुखा दिया किसी के दिल को दुखा दिया उसके बाद तुम बोल रहे हो अब नहीं होगा तो वो चीज़ नहीं है ना। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ एरिक बहुत ज़्यादा दिक्कतें तकलीफ़ें हो रही हैं मुझको मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी। आप जैसे यहाँ से आए हो ना वैसे वहाँ से वापस चले जाओ प्लीज़। तू टाइम देख ले यार मेरे को 2 वीडियो शूट करनी थी आज क्या टाइम हो रहा है यार सीरियसली यार मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती। आप जैसे आए हो वैसे चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। आपका पूरा हिसाब मैं क्लियर कर दूंगी। आज 28 है ठीक है 28 आज 1 तारीख को आपको सैलरी मिलनी होती है प्रॉपर। सारी वीडियोस का पूरा हिसाब लगा के पूरा क्लियर कर दूंगी। मैंने कोई एक तेरा पैसा नहीं रखना आज तक मैंने किसी के कोई पैसे नहीं रखे पूरा हिसाब क्लियर करके रफा दफा क्लियर। थैंक यू सो मच यार तूने जितना सपोर्ट किया नहीं प्लीज़ यार प्लीज़ अब तू समझ मेरे को मेरी कोई वीडियो शूट नहीं हो सकती इतना लेट मैं वीडियो नहीं करती मुझे 2 वीडियो करनी थी तुझे अच्छे से पता है और एक भी नहीं हो पाई ठीक है। टाइम नहीं है मेरे पास टाइम से नहीं यार बहुत सिर्फ टाइम की दिक्कत नहीं है बहुत सारी दिक्कतें तकलीफें हैं मुझे मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज जैसे आप आए हो वैसे चले जाओ। थैंक यू सो मच अच्छा लगा। आगे से कोई गलती नहीं यार ड्रीम मैं खुद करके दूंगा मैं। सही कहते हैं सबकी ना यार जिसको ज्यादा प्यार कर रहा हूँ सिर पे चढ़ जाता है। प्लीज बाय। Thank you.
मेरी नौकरी से मत निकालो दे प्लीज। अरे रो क्यों रहा है यार तू, पागल है क्या, रो क्यों रहा है? अच्छा चुप हो जा, अच्छा सुन भाई सुन, अच्छा सुन, बैठ बैठ मेरी बात सुन, सुन भाई आई एम सो सॉरी यार, वो ना प्रैंक ऑन पार्ट वन हो गया था ना एरिक पे, तो मैंने सोचा पार्ट टू भी करते हूँ। यार देख तू इतना लेट आ रहा है, मैं सच, मैंने जो बातें कही ना वो सच में मैं गुस्से में थी, मैं वो रियलिटी है, लेकिन यार तू खुद सोचना तू इतना लेट आएगा तो मैं कहाँ से दो वीडियो कर लूँगी, तो मैंने कहा यार प्रैंक कर दूँ एरिक पे ही, एरिक ही आ रहा है और तो कोई आ नहीं रहा है, एरिक पे ही कर देती हूँ। सो सॉरी यार, लेकिन प्लीज़ सच बता रही हूँ, मैं ये नहीं चाहती ये जो प्रैंक है ना ये रियल में कन्वर्ट हो जाए, समझ रहा ना, तो चीज़ों को थोड़ा सा आगे से मान लूंगा मैं, पक्का प्रॉमिस कर, प्रॉमिस पिंकी प्रॉमिस कर, चल ऐसे करके ये वाला पक्का ध्यान रखेगा ना, मेल कर देगा ना टाइम पे, हमने लच्छा भेजेगा ना, बहस तो नहीं करेगा ना बड़ों से, पक्का चला फिर। रोने लग गया पागल इंसान, तू मेरे साथ रहेगा हमेशा। अच्छा कैमरा तो देख ले किसने शूट किया आज, आज या शोधनी ने शूट किया वो देख सामने। अब देख सॉरी बोल दी उसको, और अगर कोई कोई भी कोई कंप्लेन आई ना सच बता दी, वो प्रैंक रियल में कन्वर्ट हो जाएगा फिर, पक्का प्रॉमिस, हाय कर दे भाई को, सॉरी बोल दे जल्दी। सो गाइस आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, तो ये एरिक मेरा भाई ये सब मैनेज करता है, तो यार लाइक करना, पसंद है तो शेयर करना, कॉमेंट करना, और यार जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबाना ना भूले, बिल्कुल लव यू ऑल।